अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और आज है अल्हम्दुलिल्लाह 10th रोज़े हो गए हैं और लग रहा है आज हम आप लोग को ब्लॉग में देख के लग रहा है हम सहरी बना रहे हैं या कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं हम लोग या कर चुके हैं। ये देखिए हम सहरी कर चुके हैं, हम सहरी आज अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गई हमारी सहरी। और अभी 5:05 कम है, मैं आई थी 4:30 बजे। मतलब हम लोग ना पता है क्या प्रैक्टिस होती जा रही है हम लोगों को काम काज करने की ना, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट काम करने की। तो देखिए ये परांठे जो है ना लोग इसमें बटाटा वाला मुझे प्यार हुआ डिजिटल के। ये वाला प्रोग्राम तो मुझे रमजान शरीफ में बहुत ही जबरदस्त लगता है, बहुत पसंद है मुझे ये प्रोग्राम। आज क्या होने वाली इफ्तारी तो देखते हैं कहाँ होगी कैसे होगी। जी और दही मुझे दो। तो यहाँ बस दही खाना बाकी रह गया है, अभी खा लेते हैं। दही सहरी हो चुकी है हम लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह, बस इंतजार हो रहा है सहरी बंद होने का। मैंने कहा थोड़ा सा ब्लॉग रिकॉर्ड कर लूँ, आज दिल नहीं जा रहा ब्लॉग बनाने का, रूटीन डिस्टर्ब हो गई है और अभी तक रूटीन सेटिंग में नहीं आ रही है क्योंकि हमारे मिलने जुलने वाले आ जाते हैं, फिर ब्लॉग एड करना होता है, अपने खुद के 10 काम होते हैं सारा दिन। तो आज का सहरी का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। सहरी भी बंद नहीं हुई लेकिन मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ, अब मिलूँगी मैं आपसे अफ्तारी टाइम में इंशाल्लाह। वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और हम अफ्तारी बनानी है आज और अभी मैं सारे कामों से फारिग हुई हूँ। आज सैटरडे है, डीप क्लीनिंग कराई फ्रिज की मैंने मासी के साथ। मैंने कहा भाई उसको भी भागने की लगी थी, पकड़ पकड़ कर मैंने उससे काम कराया। मैंने अभी तभी अफ्तारी बनाने के लिए मुझे आज बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आज क्या बनाना क्या है। तो जस्ट आज नमाज भी जहर की लेट हो गई है तो हम नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद फिर किचन में आते हैं और देखते हैं बच्ची नमाज पढ़ रही है। यहाँ क्या हो रहा है भाई, पढ़ा जा रहा है, पढ़ लिया। मैंने आप लोगों को जब रमज़ान तैयारी में बताया था कि रमज़ान प्रिपरेशन आपको क्या करनी है, क्या क्या चीज़ें रेडी करके रखनी है, तो उसमें हमारा मैंने आपको बताया था हमारा कीमा आना बाकी है और हमारा कीमा आ भी गया। मैंने ये कबाब बनाए हैं और ये मैं स्टोर कर दूँगी। और मैंने आपको बताया कि मैं कभी भी कुछ भी ज़्यादा नहीं बनाती, 2 किलो गोश्त का मैं बना के रख रही हूँ, लेकिन ये अब कब ख़त्म होगा ये कुछ नहीं कह सकते। इसको ये जल्दी भी ख़त्म हो सकते हैं क्योंकि घर के बने हुए कोई भी खाने हों, कबाब हों, वो ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं और जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। और मेरे तो कबाब बचते ही नहीं हैं घर के बनाए हुए, इतने लजीज और इतने मज़ेदार बनते हैं। तो ईद बनाते हैं और आज माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से 10th रोज़े कंप्लीट हो गए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम दूसरे अशरे में दाखिल होने वाले हैं कल से इंशाल्लाह ताला। अल्लाह का करम है, मालिक का एहसान है। इसी दुआ के साथ हम अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो ये इस तरह से पीस गया है मसाला, मैं इसको एक जगह निकाल लूँगी। अब इसमें मैं क्या क्या डालूँगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। चॉपर में बारीकी हुई हरी मिर्चें, अब मैं आ गई हूँ नमाज पढ़ के असर की किचन की तरफ और यहाँ सारी तैयारी हुई हुई है। और हाँ कल चांद की 11 मतलब रमजान भी 11 है और चांद की भी 11, कल हमारे यहाँ फातिया वगैरह होगी। तो बस मैंने आज बनाना है चिकन पुलाव, बच्चों का बिरयानी का मूड हो रहा था तो बिरयानी इतनी फटाफट नहीं बन सकती, उसका गोश्त जो है ना असल में उठने के बाद मूड बनता है ना, मैंने बताया। तो इनका मूड अब बना तो मैंने कहा मैं चिकन पुलाव बना लेती हूँ जल्दी से और फ्राइड बनाऊंगी, कबाब फ्राई करूंगी, समोसे बनाऊंगी। समोसे भी मैंने बनाए, ये देखे आलू के हैं और ये कीमे के हैं, तो बस ये बना लेते हैं। पौधे पुलाव की कटी हुई है, सामान कटिंग हुआ हुआ है और बना रही हूँ मैं चाट, चना चाट। तो चना चाट की रेसिपी मैं आपको ज़रूर दूंगी, जरा मैं ये बना लूँ उसके बाद। तो मिलती हूँ मैं, कंटिन्यू देखिएगा व्लॉग, स्किप मत कीजिएगा। आवाज़ आ रही है ना, ये इसकी आ रही है। ग्रीन चटनी हमारी फेवरेट है, हमारे घर में डेली बनती है, रमज़ान हो या ना हो हर खाने के साथ चटनी सलाद ज़रूरी है। यहाँ पे आज हम बनाए
हैं फ्राइज। तो यहाँ फ्राइज फ्राई हो रहे हैं, पुलाव भी मैंने चढ़ा दिया है, आपको जल्दी से रहेगा। और यहाँ कबाब फ्राई करने रह गए हैं और अब मैं बनाती हूँ, आइए चाट बनाते हैं हम मिलके ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब मैं बना रही हूँ चाट, जिस जो मैंने आपको बताया था कि आज मैं झटपट से चाट बनाने वाली हूँ। चने डाले हमने ये, अच्छा अब मैं इसमें डालूँगी चाट मसाला। ये देखिए हमने डाला चाट मसाला, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लूँगी। माशाल्लाह वो इतना लजीज और इतना मज़ेदार सा बनता है कि बचता नहीं है। तो हमारी चाट ये हमारी हो गई डन माशाल्लाह से, चना चाट और इतने मज़े की लजीज बनी है। बनाएं, ट्राई करें और मेरी दुआओं में याद रखें। आज की मेरी रेसिपी ये वाली कंप्लीट हुई। तो ये हमारे दही बड़े भी माशाल्लाह से मीठे से ये तैयार हो गए। इस पर हम थोड़ा सा ऊपर से चाट मसाला डाल देंगे, ठीक है जी। तो ये हो गए आज के हमारे दही बड़े। तो जी अफ्तारी हुई हमारी कंप्लीट और अब हम लगा रहे हैं अफ्तारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी अफ्तारी हो गई कंप्लीट। पहाड़ का भी तो दिखाना जरूरी होता है ना, कितना खूबसूरत सनसेट हो रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया जो है ना आपकी, आपके दिल में बसती है। अगर आपकी अंदर से दुनिया अच्छी है तो आपके लिए पूरी दुनिया अच्छी है। और आप अच्छे हैं अगर वो भी लोग अच्छे हैं, ठीक है। चलें इसी बात पे हम अफ्तारी करते हैं, मैं अपनी फैमिली के साथ करते हैं रोज़ा इफ्तार। मां रखो कबाब, ले लिया कबाब, कबाब मां रखो। रोज़ा इफ्तार करने की दुआ। इसको देखें रोजे के टाइम पे यहाँ घूम रहा। आओ अफ्तारी करो मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ बैठे बैठे है, कह रहे हैं मेरे लिए गोद दो। अफ्तारी के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। अच्छा जी, तो हमारी हो गई नमाज मगरिब कंप्लीट और अब हम बनाएंगे चाय। आज फौरी फौरी काम करेंगे भाई। तो मैंने आपको एक चीज़ दिखानी थी कि जब मैं यहाँ नमाज़ पढ़ती हूँ ना फजर की या मगरिब की, तो ये जो रात के टाइम जो इस तरह से दिखता है ना ये पॉल लाइट का और इस तरह से हवा से हिलते हुए पेड़, तो ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। और यहाँ से मेरे दिखते हैं ऑस्ट्रेलियन बर्ड। ये मैं आपको बता रही थी कि कितना खूबसूरत लगता है ना। चलें चाय पीते हैं और चलते हैं छत पे। क्या रख रहे हैं हम चाय? कितनी पत्ती डाली पापा? दो चम्मच बस, सही है। दो चम्मच पत्ती डालती हूँ। वो एक चम्मच चीनी डाला हुआ आपने? नहीं डाला, चीनी डालती। हाँ एक चम्मच डाल दो बस, ये बहुत हो जाएगी। चाय बन जाती है, फिर अपने टेरेस पे थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और उसके बाद व्लॉग एड करेंगे। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चाय बन गई है बच्चियाँ जी। बेटा हाँ सही, इसी में से खा लेंगे, आप ढक के रख दो। ओ, बच्चों को हमारा चैन नहीं है, ठोका ही लगाऊ। हम छत पे चाय लेके, किसी को पता ना चले वरना सारे मेरे पीछे आ जाएंगे छत के ऊपर। ये मेरे हस्बैंड पहले से कर रहे हैं। चलो भाई पकड़ो अपनी चाय। कौन सी जो ज़्यादा वाली तुम्हारी? मुझे भी ज़्यादा नहीं चाहिए। मुझे भाई मुझे भी नहीं चाहिए ज़्यादा। तो ये देखें चांद तारे, ये चांद आजकल बिल्कुल हमारे ऊपर होता है, सर के ऊपर। ये
ये देखो इसको मैं कितना ही बड़ा कर लूँ, नहीं नहीं बड़ा होता है भाई, करीब आता है। मुझे शरारत कर रहे हैं बच्चे। तो आज के ब्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ, ठीक है जी। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं आपको बताऊँगा सूरी चांद जहाँ खड़ी हो रही है तो लग रहा है मेरे सर पे ही है, ठीक है। अब पीती हूँ मैं चाय और करती हूँ वॉक, वॉक ज़रूरी है, आप लोग भी वॉक किया करें भाई अफ्तारी के बाद, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।